चलाकी मत करना। हाँ। कोई चलाकी करने की कोशिश मत करना जी। मेरे प्यारे साथियों, आज हम आपको बता रहे हैं एक छोटा सा क्लिप है, जो आपने देखा वह क्लिप है KVS एग्जाम का। और जिस तरह से आपने CTET में देखा कि पेपर लीक हुआ, वह आरा का था, लेकिन उसका पुष्टि सेंट्रल सरकार ने नहीं की। लेकिन एक मामला बिहार से भी आ रहा है, वह KVS एग्जाम सेंटर का है, और वो भी एग्जाम सेंटर में एक रूम में, पर्सनल रूम में बैठकर, और सिस्टम को कैसे हैंग किया जा रहा है वह क्लिप आपने देखा है। तो बिहार में पहले बिहार सरकार की पेपर लीक होती थी, लेकिन आज के डेट में केंद्र सरकार का भी पेपर लीक हो रहा है। और एक जो छोटा सा क्लिप है, वह क्लिप में आपने देखा कि किस तरह से मतलब सिस्टम को हैंग किया जाता है, और बैठकर, और आप जाइए वहाँ एग्जाम सेंटर में और आपका प्रेजेंटेशन हो जाएगा। वहाँ आपको जाके सिस्टम पे बैठ जाना है, सिस्टम ऑन कर लेना है, और आपका जो होगा वह एक कंट्रोल रूम लेखा बनाया हुआ है, उस कंट्रोल रूम से बैठकर और उसको हैंग करके, और दूसरा समझिए कि आपका क्वेश्चन का आंसर देगा। खाली सिर्फ आपको बैठना है। इसी तरह का मामला देख लिया आपने कि किस तरह से KVS के एग्जाम सेंटर पे धांधली हो रहा है। हम एक वीडियो बनाए हैं और उसका भी रिव्यू लेके आएंगे कि बच्चे का रिएक्शन क्या है KVS एग्जाम सेंटर में जो पेपर लीक हुआ है इसका। तो मैं उन लोगों से भी बातचीत करेंगे। तो और इस जो वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। फिलहाल इतना ही, अगले वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।